तो ये एक गवर्नमेंट योजना है दोस्तों, आप सभी ने शायद इसका नाम सुना होगा और आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, योजना है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ आती है। और दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके पास गर्ल्स चाइल्ड है, कन्या है, लड़की है, जिसकी एज 10 साल तक, 10 साल के नीचे की कोई भी पुत्री आपके या घर में है, परिवार में है, तो आप उसका सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अपन इसमें डिटेल में बात करेंगे आगे, है ना। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट के थ्रू आई है। तो अपन देखते हैं इसमें क्या है। इसका जो डिपॉजिट लिमिट होता है, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि डिपॉजिट लिमिट है क्या इसमें। तो दोस्तों इसका जो डिपॉजिट लिमिट है वो है, एक साल में आप मिनिमम 250 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं, 250 रुपये, 250 ओनली। और मैक्सिमम अपन कर सकते हैं 1.5 लाख रुपये, यानी 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर डिपॉजिट लिमिट। और पीरियड ऑफ डिपॉजिट, पीरियड ऑफ डिपॉजिट आपको कितने साल तक पे करना है वो है 15 ईयर्स। 15 ईयर्स यू हैव टू पे द अमाउंट इन दी SSY सुकन्या समृद्धि योजना में। आपको 15 साल पे करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप चाहें तो मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली, एनुअली, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। और आइदर आप चाहें तो फिक्स अमाउंट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वेरिएबल भी कर सकते हैं। आपको जितना भी आपके पास अमाउंट आता है वो आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। बस आपको बताया है कि मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपये, 250 मिनिमम एंड 1.5 लाख रुपीज़ मैक्सिमम यू कैन पुट। अब सवाल आता है कि डिपॉजिट हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप जाके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपन और आगे देखते हैं, ठीक है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड है दोस्तों वो है 21 ईयर्स, 21 साल मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। पीरियड ऑफ डिपॉजिट है 15 साल और मैच्योरिटी है कितना, 21 साल। आपको 15 साल पे करना है और 6 साल तक आपको कुछ नहीं पे करना है। आपका मैच्योरिटी पीरियड के साथ आप अमाउंट कर सकते हैं। अब देख पा रहे हैं मैच्योरिटी पीरियड। अब सवाल एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कि आपने अकाउंट ओपन करवाया 12/4/2020 में, ठीक है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट कितना रहेगा, 31/3/2034, 15 साल का डिपॉजिट है। और मैच्योरिटी क्या रहेगा, 2040, ठीक है। विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, आप विड्रॉल का भी रूल देख लेते हैं। आफ्टर डॉटर अटेन एज ऑफ 18 ईयर्स, 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर आप निकाल सकते हैं। मतलब 18 साल की जैसे ही आपकी कन्या होती है आप उसमें 50% अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग का विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद आप, हाँ मेन चीज़, अगर आप टैक्स सेविंग ले सकते हैं 80C के अकॉर्डिंग, आपको टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट जो भी है वो पूरा टैक्स फ्री रहेगा दोस्तों, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और इसका करंट ऑफ जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एज ऑफ टुडे वो चल रहा है 7.60%, 7.60, ठीक है। और ये गवर्नमेंट स्कीम है, गारंटेड स्कीम है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है, है ना। आप चाहें तो बहुत ले सकते हैं इस स्कीम में। हर किसी को मैं तो एडवाइस करूंगा कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाना चाहिए और अपने बच्चियों का फ्यूचर सेफ कर रखना चाहिए, है ना। वो पढ़ाई के लिए हो सकते हैं, शादी के लिए कर सकते हैं, कहीं भी अपन यूज़ कर सकते हैं। अब इस्टीमेट अपन थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे सपोज़ करो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस्टीमेटेड फिगर है ना कि वैसा। अगर आप 250 रुपये पर मंथ देते हैं तो आपको मिलेगा 1,38,000 के समथिंग मिल जाएगा। अगर 500 रुपये आप पेमेंट करते हैं पर मंथ 15 साल तक, ठीक है, तो आपको 2,26,00,000 के आसपास अमाउंट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे आप 12,500 रुपये पर मंथ पे करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 65 लाख रुपीज़ तक मिल सकता है, मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। बट ये 100% वो नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे क्या रहने वाला है ना, दैट टाइम कैसे, कभी घटता रहता है बढ़ता रहता है, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम वो कैसा है। जैसे जब ये स्टार्टिंग हुआ था 2015 में 16 में तो 9.2 था रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर थोड़ा गवर्नमेंट ने डिक्रीज़ किया। और इसका मैं आपको बता दूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो गवर्नमेंट हर 6 महीने में रिवाइज़ करती रहती है इसका। फिर 8.4 हुआ, फिर 8.0, 8.5,
इस टाइप पर चलता रहता है, 7.6 अभी करेंटली चल रहा है। और रही बात यह है कि आप इसमें ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, या फिर आप जाके कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि हमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आप चाहें 2 पासपोर्ट फोटो लगेंगे आपको, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और गर्ल्स चाइल्ड का अगर आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, और मम्मी पापा के, पापा के मम्मी के या जो भी आप जिसको कर रहे हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेंगे। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि हमें ओपन कहाँ करवाना है, कहाँ करवाना है। तो आप बैंक में ओपन करवा सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में, आपको जहाँ भी अच्छा लगता है आप वहाँ जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा, आप विजिट करके वो पूरा फॉर्मेलिटी बता देंगे कि क्या कैसे फॉर्म फिल करना है, बट डॉक्यूमेंट आपको बता दिया कि ये लगेगा, और इसके बाद अपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। आपको पासबुक मिल सकता है, पासबुक मिल जाएगा, उसके बाद आप उसमें चेक कर सकते हैं। और यहाँ तो मैंने अभी जैसे HDFC में मेरी बच्ची का करवाया, तो HDFC में तो वो इवन ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि बैलेंस वगैरह जो भी है, नहीं तो अदर बैंक में अभी ये फैसिलिटी नहीं है फिलहाल, तो अदर बैंक में आपको पासबुक अपडेट करवाने जाना पड़ता है। बाकी ये बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद कर दूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, या आपकी जान पहचान में जो भी हैं, उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, इस स्कीम के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो लोग अवेयर हों और अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, 250 रुपये ही लगते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप डाल सकते हैं, बट